हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग फन। बच्चों, आज हम जानने वाले हैं भाषा और व्याकरण के बारे में। भाषा को हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं एंड व्याकरण को ग्रामर बोलते हैं। सो चाहे हिंदी की बात हो या फिर इंग्लिश की बात हो, हमें व्याकरण यानी कि ग्रामर के बारे में और लैंग्वेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक जो है वो बच्चों को क्लास सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में करवाया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि भाषा किसे कहा जाता है। सो भाषा का मतलब होता है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। यानी कि भाषा, जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं, वह एक मीडियम है, माध्यम है दो लोगों के बीच का, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। यानी कि जो हम कहते हैं या फिर जो हम समझाना चाहते हैं, वो हम अपने इमोशंस के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू उनको बताते हैं, और सेम वही प्रोसेस सामने वाला भी हमारे साथ करता है, जिससे हमें भाषा का, एक दूसरे की बात का ज्ञान होता है। सो, अब हम जानेंगे भाषा के रूप के बारे में। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, यानी कि जिससे हम बोल के प्रकट करते हैं, और दूसरा होता है लिखित भाषा, यानी कि जिससे हम लिख के प्रकट करते हैं। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मौखिक भाषा का मतलब होता है, हम जो कुछ बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि हमने जो कुछ भी बोला है या फिर हम सुन रहे हैं किसी की बातों को, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का प्रारंभिक रूप है, यानी कि यह स्टार्टिंग का रूप है, क्योंकि सबसे पहले हम बोलना सुनना ही सीखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने माता पिता का, अपने घर में जो भी लोग हैं उनकी बातों को सुनते हैं, और फिर हम धीरे धीरे करके बोलना सीखते हैं। जैसे संगीत सुनना, फोन पर बातें करना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। सो इसका मतलब है कि जो भी हम कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी लिखित भाषा। हम जो कुछ लिखते या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि जो भी हम कुछ लिखेंगे या फिर हम पढ़ रहे हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप है। स्थायी रूप का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ हम लिख रहे हैं वो स्थायी हो गया, लिख दिया गया है हमारे द्वारा, क्योंकि लिखी गई बातों को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कि जो भी हमने राइटिंग कर दी है, जो भी हमने लिख दिया है, वो हम बहुत टाइम के लिए उसको सेव कर सकते हैं। जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, कंप्यूटर पर काम करना आदि लिखित भाषा के उदाहरण है। इसके बाद आता है बच्चों लिपि। लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत, जिन्हें हम चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में मार्क कहते हैं, निश्चित किए गए हैं, उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। यानी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह जो है वो निर्धारित किए गए हैं, निश्चित किए गए हैं, और उन्हीं चिन्हों को, उन्हीं संकेतों को लिपि कहा जाता है। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर वॉच करना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। व्याकरण क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। जिस प्रकार सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं, लेकिन यदि उन नियमों को पालन न किया जाए तो दुर्घटना हो सकती है। जैसे हम रोड पे चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे कुछ नियम्स होते हैं ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, अगर उन नियमों का हम पालन नहीं करेंगे तो आपस में क्या होगा, दुर्घटना हो सकती है। वैसे ही भाषा को सही ढंग से लिखने बोलने के भी कुछ नियम होते हैं। यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कि हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला समझ कुछ रहा है, तो इसीलिए कुछ नियमों का पालन किया जाता है व्याकरण में भी। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। तो ये तो जो हमने ऊपर पढ़ा है, ये तो हमें समझाने के लिए बताया गया था। व्याकरण की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है? भाषा के सही नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे हमें पहले वाक्य को पढ़ना है। भाषा का प्रारंभिक रूप डैश भाषा है। सबसे पहले प्रारंभिक रूप क्या होता है? बच्चा क्या लिखना शुरू करता है? नहीं, पहले वो बोलना शुरू करता है, और वो आता है हमारा मौखिक भाषा में। तो यहाँ पे आएगा मौखिक।
भारत के अधिकांश राज्यों में डैश भाषा बोली जाती है। भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी भाषा बोली जाती है। डैश गई बातों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हमने अभी पीछे पढ़ा था मौखिक और लिखित भाषा में कि जो लिखी हुई भाषा है हमारी, उसे हम बहुत टाइम तक सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा लिखी भाषा, लिखी गई बातों को। संस्कृत भाषा डैश लिपि में लिखी जाती है। जो संस्कृत भाषा है वो कहाँ लिखी जाती है बच्चों? गुरुमुखी में या फिर देवनागरी लिपि में। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से। पीछे हमने पढ़ा था लिपि के बारे में, अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो कौन सी लिपियों में लिखी जाती है। तो लिपि को एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत निश्चित किए गए हैं उनके व्यवस्थित रूप को लिपि कहते हैं। अब संसार में यानी कि हमारे दुनिया में बहुत सारी भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं, और उन भाषाओं को भिन्न भिन्न लिपियों में लिखा जाता है। जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, उर्दू की लिपि फारसी है, और अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी हमारी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है लिपि और उनके चिन्हों के बारे में। कुछ भाषाएं कौन सी लिपियों में लिखी जाती हैं ये भी हमने पढ़ा है। इसके बाद हम एक और चीज समझ लेते हैं मातृभाषा के बारे में। जन्म लेने के बाद व्यक्ति जो प्रथम भाषा सीखता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है और जो पहली भाषा सीखता है, अपने होम टाउन की भाषा सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। दूसरा है राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? किसी राज्य या देश की घोषित भाषा को, यानी किसी भी राज्य की अगर कोई भाषा उन्होंने घोषित कर रखी है उसे ही राजभाषा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रश्न हैं। सही कथनों के सामने राइट तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। तो पहले हमें इन वाक्यों को पढ़ना पड़ेगा। भाषा का स्थायी रूप लिखित भाषा है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में पंजाबी भाषा बोली जाती है, नहीं, पंजाबी बोली जाती है पंजाब में। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है, बिल्कुल सही है। तो हम राइट का निशान लगाएंगे। पूरे देश में हिंदी भाषा बोली जाती है, ये गलत है। सबसे पहले हम मौखिक भाषा सीखते हैं, ये सही है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले मुंह से बोलता है, लिखना बाद में सीखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, मिलान कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ राज्य लिख के दिए गए हैं और साथ ही उनकी भाषाएं लिख के दी गई हैं। तो हमें पढ़ना है बच्चों और फिर उनको मिलाना है। ओडिया, ओडिया बोला जाती है उड़ीसा में। तमिल, तमिल कहाँ बोली जाती है बच्चों? तमिलनाडु में। मराठी, मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। पंजाबी, पंजाबी बोली जाती है पंजाब के अंदर। बांग्ला, बांग्ला बोली जाती है पश्चिम बंगाल में। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में बोली जाती है मलयालम। कर्नाटक में कन्नड़। एंड गुजरात में बोली जाती है गुजराती। तो यहाँ पे हमने हमारे कुछ राज्यों को उनकी भाषाओं के साथ मिलाया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, नीचे कुछ भाषाएं लिखी हैं, उन भाषाओं के सामने उनकी लिपि का नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। भाषा यहाँ लिखी है और यहाँ पे लिखी है लिपि, यानी वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? उर्दू जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है फारसी लिपि में। पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में। हिंदी को हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी को लिखते हैं रोमन लिपि में। और संस्कृत को हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में। सो आज बच्चों हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा है, जिसमें भाषा की परिभाषा पढ़ी थी, भाषा के दो रूप पढ़े हमने, मौखिक और लिखित भाषा। उसके बाद हमने लिपि को पढ़ा है, व्याकरण को पढ़ा है साथ में। फिर उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ प्रश्न और उत्तर लिखे हैं, जिसमें हमने भाषाओं को किस लिपि में लिखा जाता है, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये सब हमने इसमें आज पढ़ा है। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच कीजिए, इससे आपकी नॉलेज जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। सो वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल किड्स लर्निंग फन को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर जाकर के अगर आप ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो आने वाली चैनल के ऊपर और वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।